कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट ए टू जेड और बड़े भी जो जिनकी शुरुआत है इंग्लिश को सीखने की, उनके लिए पहले ही मैं एक फ़र्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट जो है अपलोड कर चुकी हूँ ए बी सी का, ए टू जेड का। तो उसके अंदर जो आप हैं ट्रिक के साथ बच्चों जैसे बिल्कुल प्यार की तरह उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है। और वो वीडियो जो है जाकर देखें, और इसमें जो है प्रोनाउंसिएशन भी हम देखेंगे, उच्चारण जिसे कहा जाता है, जैसे ए की साउंड क्या निकलती है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, सी से किसकी साउंड निकलती है, जिनसे बहुत सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं, ये वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं इंग्लिश के। ए बी सी से ही सभी वर्ड्स, सभी नाम जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये वही इंग्लिश के शुरुआती वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट जिन्हें कहा जाता है, वर्णमाला जिन्हें कहा जाता है। तो अगर मैं कहती हूँ रेत का ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी का कण कण, अगर कण कण भी मैं कहती हूँ ना, तो कण कण भी एक नाम है जो इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं वर्ड्स से बनाया जाता है। इन्हें ही जोड़ जोड़ कर सभी को नाम दिए गए हैं दुनिया भर में। जितना भी कण कण का भी अगर नाम है तो जितने भी नाम हैं वो सभी इन्हीं से बनाए जाते हैं। सभी वाक्य जो जितनी भी आप बातें करते हैं वो सभी इन्हीं से बनती हैं। तो यही वर्ड्स हैं इंग्लिश की दुनिया के एंटर करने के वर्ड, इंग्लिश की दुनिया के भीतर जाने के वर्ड, अल्फ़ाबेट जिन्हें कहते हैं। तो आइए जानते हैं और साथ में प्रोनाउंसिएशन भी देखते हैं, साथ में इमेजेस भी देखते हैं कि ए को क्या कहा जाता है, बी को क्या कहा जाता है। तो ये वीडियो हाउसवाइफ और जो है बच्चे, किसी को भी अगर इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ए बी सी से। अगर फर्स्ट पार्ट से समझ आता है तो फर्स्ट पार्ट समझिए, सेकंड से समझ आता है तो सेकंड देख लीजिए, ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो ए फॉर एप्पल, एप्पल होता है सेब। देखिए ए से क्या साउंड निकल रही है, ए की साउंड निकल रही है। ये बीच का जो बड़ा ए देख रहे हैं और एक पत्ती के ऊपर आपको, सेब की पत्ती के ऊपर आपको छोटा ए नज़र आ रहा होगा, ये छोटी ए बी सी का ए है। और इसी के साइड में आप एप्पल लिखा हुआ देख सकते हैं और साथ में एप्पल की इमेज भी देख सकते हैं कि सेब को ही एप्पल कहा जाता है, सेब को एप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेब होता है इंग्लिश के अंदर, सेब का नाम है एप्पल, ए फॉर एप्पल। और जो बड़ा ए देख रहे हैं, बीच में जो बड़ा ए है और साइडों में छोटे छोटे गोले लगे हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं कि पत्ती के ऊपर छोटी ए बी सी है और उसके साथ ही बड़ी ए बी सी का ए लिखा है और नीचे साउंड है। तो इसी तरह हर इमेजेस में आप देखेंगे, हर फोटोज़ में आपको पहला बीच का अक्षर बड़ी ए बी सी का होगा, साइड का प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण होगा, जैसे हिंदी का ए ए लिखा है हिंदी का, और इंग्लिश के दोनों वर्ड्स जो है राइट साइड में छोटी ए बी सी लिखी है। तो आइए आगे जानते हैं। तो ये आपने देख ही लिया है, ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल सेब को कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर एप्पल सेब को कहा जाता है, हिंदी में सेब कहेंगे और इंग्लिश में एप्पल। बी फॉर बॉल, तो जैसा कि मैंने आपको कहा है बी, ये जो पहला ही बीच का वर्ड है बड़ा बी दिख रहा है और राइट साइड में छोटा बी दिख रहा है, और बॉल लिखा भी है बी ए डबल एल, गेंद होता है बॉल जिसे कहते हैं, बी फॉर बॉल। बी से ब की साउंड निकलती है, इसके लेफ्ट साइड में देखिए, बड़े बी के लेफ्ट साइड में ब की साउंड नज़र आ रही है और एक बड़ी सी बॉल नज़र आ रही है, इसे बॉल कहते हैं, गेंद कहते हैं, बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट, और कैट से किसकी साउंड निकल रही है, पहला ही वर्ड जब मैं कैट बोलती हूँ क, क की साउंड निकलती है ना, तो क साइड में लिखा है हिंदी का अक्षर क, और कैट क्या होता है, बिल्ली होता है, इंग्लिश के अंदर बिल्ली को कैट कहा जाता है। और साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड में कैट सी ए टी, इसकी स्पेलिंग होती है, बिल्ली कहा जाता है, कैट को हम क्या कहेंगे, बिल्ली। सी फॉर कैट, कैट होता है बिल्ली।
बिल्ली तो आपने देखी होगी ना घरों में, बाहर किसी और के घर में, पड़ोसियों के घर में। बिल्ली, सी फॉर कैट, और कैट से क्या साउंड निकल रही है, क के साउंड निकल रही है। और अगर मैं सिनेमा कहती हूँ, सिनेमा, सिनेमा भी एक वर्ड है, और सिनेमा आप जाते भी होंगे, मूवीज़ देखते होंगे कुछ लोग, तो सिनेमा में स की साउंड निकलती है, सी की साउंड निकलती है, तो सी भी इसे कह सकते हैं, और क की साउंड भी कई बार वर्ड्स में आती है। डी फॉर डॉग होता है, और डॉग क्या होता है, डॉग इंग्लिश का नाम है और इसे कुत्ता कहा जाता है, हिंदी में हम कुत्ता कहते हैं लेकिन ये डॉग होता है इंग्लिश के अंदर। डी फॉर डॉग, और डॉग से किसकी साउंड निकल रही है, ड की। तो बोलते वक्त ध्यान दें कि डी से साउंड किसकी निकल रही है, डी फॉर डॉग, ड की साउंड निकल रही है, डॉग को कुत्ता कहा जाता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, डॉग। तो साथ के साथ साउंड भी देखते रहिए, और छोटी ए बी सी के वर्ड्स भी देखते रहिए, बड़ी ए बी सी भी लिखी है और साथ में नाम भी लिखा है डॉग, डी फॉर डॉग कुत्ता हिंदी भी लिखी है। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट क्या होता है, बिल्ली को कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है, ई फॉर एलिफेंट। एली जब मैं बोलती हूँ एलिफेंट, तो अ की तो नहीं आती है ना साउंड, एलिफेंट एलिफेंट ऐसी आती है ना, तो ए जो इसे कहा जाता है एलिफेंट, तो पूरा अ साउंड नहीं है, एलिफेंट, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट को हाथी कहा जाता है, देखिए कितने प्यारे प्यारे हाथी है ना। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लिश के अंदर एलिफेंट कहा जाता है, हिंदी के अंदर हाथी। एफ फॉर फिश, फिश होता है मछली, और मछली आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मछली है ना, छोटी छोटी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर तैर रही है, समुद्र को क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है ना, तो ये क्या है, एफ फॉर फिश। तो देख रहे हैं छोटी ए बी सी में एफ को किस तरीके से लिखा जाता है, और इससे साउंड क्या निकलती है, फ, जब मैं बोलती हूँ फिश, फ, फ के साउंड निकलती है, मात्रा को नहीं देखना है, फिश ऐसा नहीं, फ, फ की साउंड निकलती है, एफ आई एस एच, फिश होता है, और फिश इंग्लिश के अंदर हम किसको कहते हैं, मछली को, मछलियां जो होती हैं फिश कहा जाता है इन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जी फोर ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होता है, अंगूर होता है, अंगूरों को ग्रेप्स कहा जाता है, अंगूर कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रेप्स बहुत सारे हैं ना, ग्रेप्स अंगूर, किसकी साउंड निकल रही है, इंग्लिश का वर्ड देखिए ग, ग्रेप्स ग के साउंड निकलती है ना, तो आगे बढ़ते हैं, जी फॉर ग्रेप्स, अंगूरों को क्या कहेंगे, ग्रेप्स कहेंगे। एच फॉर हैन, हैन क्या होता है, मुर्गी होता है, हैन को मुर्गी कहा जाता है, ठीक है, एच फॉर हैन, और हैन मुर्गी होता है, एच ई एन मुर्गी, तो मुर्गी देख रहे हैं ऐसी मुर्गी होती है, और हैन जब मैं बोलती हूँ तो ह की साउंड निकलती है ना, हैना भी बोल रही हूँ तो ह की साउंड निकल रही है ना, तो हैन कहा जाता है, एच फोर हैन, हैन होता है मुर्गी। आई फोर आइसक्रीम, आई फोर आइसक्रीम, आई को आई से क्या बनाया जाता है, आइसक्रीम, ठीक है, मिलता जुलता वर्ड क्या है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम इसे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आई सबसे पहले इसके अंदर, आइसक्रीम की जब स्पेलिंग मैं लिखती हूँ, नाम जब लिखती हूँ आइसक्रीम का, तो आई सबसे पहला वर्ड आता है, तो आइसक्रीम, आई से आइसक्रीम है ना, तो आई से साउंड किसकी निकल रही है, ई की ना, आइसक्रीम क्या होता है, कुल्फ़ी होता है, जो आप खाते हैं गर्मियों में, खाते हैं ना आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये वही है। जे फॉर जग होता है, जग, जे यू जी, जग देख रहे हैं आप, जग, जब मैं बोलती हूँ जग, जे फॉर जग, तो साउंड किसकी निकल रही है, ज की। आगे बढ़ते हैं, के फॉर काइट, काइट होता है पतंग, काइट पतंग होता है, के फॉर काइट, क, क की साउंड निकलती है ना, क, के फॉर काइट। एल फॉर लायन,
एल फोर क्या होता है? लोयन। लोयन शेर को कहा जाता है, ये है शेर। और साउंड किसकी निकल रही है जब मैं बोलती हूँ एल फोर लायन? लायन से साउंड ल की निकलती है, लायन। लायन शेर होता है। एम फॉर मंकी। मंकी क्या होता है? बंदर। बंदर इसे कहा जाता है। एम फॉर मंकी। मंकी बंदर होता है। और मंकी से साउंड किसके निकलती है? म की साउंड निकलती है। एम फॉर मंकी। मंकी बंदर। तो देख रहे हैं कितने सारे बंदर हैं और बंदरिया भी है ना। तो ये छोटा एम है और म की साउंड निकलती है। एम फॉर मंकी कहा जाता है। मंकी बंदर होता है। एन फॉर नेस्ट। नेस्ट क्या होता है? घोंसला। घोंसला। एन फॉर नेस्ट। नेस्ट घोंसला होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप घोंसला, चिड़िया का घोंसला है ना। एग भी है इसके अंदर। एग। एग क्या होता है? अंडों को कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर जो अंडे हैं, एग इन्हें कहा जाता है। एन फोर नेस्ट। एन से न की साउंड निकलती है। आ फोर ऑरेंज। ऑरेंज भी है और ऑरेंज का जूस भी रखा हुआ है। ऑ फॉर ऑरेंज। तो साउंड किसकी निकल रही है? बोलो बोलो। ओ से ओ की ही साउंड निकल रही है और ऑरेंज में भी ओ ही आ रहा है ना। और हिंदी के अंदर हम इसे संतरा कहेंगे। क्या कहेंगे? संतरा। आ फॉर ऑरेंज। पी फॉर पैरट। पैरट क्या होता है? मोर होता है। पी फॉर फोर पिकॉक। पिकॉक क्या होता है? मोर को कहा जाता है। पिकॉक मोर होता है। पी फोर पिकॉक। पिकॉक मोर को कहा जाता है। और कितना ब्यूटीफुल मोर है ना। तो पी से साउंड किसकी आ रही है? प प की साउंड आती है ना। पिकॉक मोर। क्यू फोर क्वीन होता है। क्वीन क्या होता है? रानी। रानी को कहा जाता है। कव की इसे साउंड निकलती है। जब आप बोलते हैं क्यू क्वीन, कव की साउंड निकलती है ना। क्वाइट एक वर्ड है, क्वाइट जिसे चुप रहना कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो क्यों से ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड आप बना सकते हैं, बहुत से वर्ड बना सकते हैं। क्यों फॉर क्वाइट। कव कव की साउंड निकलती है। क्वीन क्वीन रानी। आर फॉर रैबिट। रैबिट क्या होता है? खरगोश। खरगोश इसे कहा जाता है। और तो बड़ी एबीसी छोटी एबीसी दोनों लिखी हुई है। आर फॉर रैबिट। रैबिट खरगोश। और र की साउंड इससे निकलती है, र है ना। आर फॉर रैबिट। रैबिट से र खरगोश। स्पेलिंग भी साथ के साथ देखते रहें और खरगोश भी देखते रहें। तो खरगोश ये होते हैं और इन्हें रैबिट रैबिट कहा जाता है। एस फॉर शिप। शिप क्या होता है? जहाज होता है। जहाज को शिप कहा जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी शिप है ना, और कितनी ब्यूटीफुल है। तो एस से स की साउंड निकलती है। स की साउंड निकल रही है ना। शिप शिप अगर मैं बोलती हूँ तो स की साउंड निकलती है। ये जहाज होते हैं है ना। एस फॉर शिप। और शिप ऐसी होती है और इन्हें हिंदी के अंदर जहाज कहेंगे, हिंदी में जहाज। और वैसे इन्हें शिप कहा जाता है। टी से टाइगर। टी से क्या होता है? टाइगर टी आई जी ई आर। और टाइगर को क्या कहा जाता है? बाघ। बाघ कहा जाता है, बाघ। यू फोर अम्ब्रेला। यू कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, यू कहेंगे। और यू से अम्ब्रेला होता है, छाता होता है। आ की साउंड इससे निकलती है, अम्ब्रेला। बोलते हैं ना अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से किसकी साउंड निकल रही है? वर्ड में देखिए, वर्ड जो इससे बना है, यू से अम्ब्रेला बना है, छाता। छाते को हिंदी में हम छाता कहते हैं लेकिन इंग्लिश में हम अम्ब्रेला कहेंगे। तो अम्ब्रेला जब इसका नाम है तो किसकी साउंड आ रही है? वर्ड से अम्ब्रेला से अ की साउंड निकल रही है। वी से वैन। ऐसी होती है वैन। और वैन जब मैं बोलती हूँ तो साउंड किसकी निकल रही है? व व की साउंड निकल रही है ना। व वी से वैन।
डब्ल्यू से वॉच, वॉच क्या होता है? घड़ी। अब घड़ी कोई भी हो, चाहे वो रिस्ट वॉच हो कलाई में बांधने वाली, या फिर वॉल पर जो लगाई जाती है, दीवार पर जो घड़ी लगाई जाती है, घरों में अक्सर होती है वॉच, घरों में जो लगाई जाती है दीवार के ऊपर हम लगाते हैं ना, घड़ी लगाते हैं, तो ये वही घड़ी है राइट साइड में, गणेश जी जिस पर बने हुए हैं, तो ये दीवार पर लगाने वाली घड़ी है वॉच, वॉच कहा जाता है घड़ी। दोनों ही, चाहे दीवार पर लगाने वाली हो या हाथ में बांधने वाली घड़ी हो, दोनों को ही क्या कहेंगे? वॉच। वॉच की क्या स्पेलिंग है? डब्ल्यू ए टी सी एच। वॉच को घड़ी कहा जाता है। डब्ल्यू व वॉच जब मैं बोलती हूँ तो वर्ड पर ध्यान दें, वर्ड कौन सा है? जो स्पेलिंग लिखी हुई है, जिससे शब्द निकल रहा है वॉच, तो किसके साउंड दे रहा है? व की या वा की? व अगर कहूँ सबसे पहला वर्ड डब्ल्यू व, व अगर आ भी इसके साथ जोड़ देती हूँ तो वा भी बन जाता है, व और वा दोनों के साउंड दे रहा है। एक्स ए, एक्स किसके साउंड दे रहा है? स, स के साउंड दे रही है, दे रहा है। एक्स, एक्स मस ट्री, क्रिसमस ट्री इसे कहा जाता है हिंदी के अंदर, क्या कहेंगे? क्रिसमस ट्री, ये एक्समस ट्री होता है। क्रिसमस पर आपने देखा होगा इन पेड़ों को सजाया जाता है, जो क्रिश्चियन होते हैं वो अक्सर जो है इस त्यौहार को मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है त्यौहार कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, त्यौहार हर किसी के लिए होता है, लेकिन वो अक्सर मनाया करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लिए कुछ त्यौहार होते ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है आप लोग भी मना सकते हैं। तो क्रिसमस एक्स के साथ, एक्स मस ट्री यानी क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का पेड़ होता है, ठीक है। तो एक बच्ची भी देखिए क्रिसमस के पेड़ के पास बैठी हुई है, छोटी बच्ची है ना, दो बच्चियाँ। वाई से याक, याक में क्या स्पेलिंग है? वाई ए के, जो शुरुआत ही वाई से होती है, वाई से याक। याक एक ये बैल के जैसा ही दिखाई देता है ना, तो साउंड किसकी ले रहा है? याक, य के साउंड है ना। जेड से जेब्रा, जेब्रा, जेड से जेब्रा, तो ज, ज की साउंड निकलती है ना, ज, ज की साउंड निकलती है, जेड से जेब्रा, ठीक है, ये होते हैं जेब्रा। तो ये था लास्ट का वर्ड इंग्लिश का, और ए टू जेड का, ए बी सी का लास्ट का अल्फ़ाबेट। इन्हीं से देखिए कितने सारे नाम निकल रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे नाम इन्हीं से निकाले जाते हैं, इन्हीं से बनाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या थे हमारे? ए टू जेड थे, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट जो थे, ए टू जेड जिन्हें कहा जाता है, ए बी सी। हमने सारे वर्ड्स देखे हैं, सभी अल्फ़ाबेट देखे हैं, वर्णमाला इन्हें कहा जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट इन्हें कहा जाता है। तो इन्हीं वर्ड्स को पिरो पिरो कर एक माला बनाई जाती है, शब्द बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं। तो ये सभी वर्ड्स हमने देखे हैं, तो ये थे वो सभी वर्ड्स जो हमने अभी देखे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, लव यू ऑल, ठीक है, चलिए।